अद्भुत वीरता, दृढ़ संकल्प, पराक्रम, साहस और समर्पण। ये शब्द सुनते ही जो चित्र उभरता है वो है हमारे देश के सैनिकों का। सेना में शामिल होने के साथ ही सैन्य अनुशासन में ढलने के लिए सैनिकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां बच्चों को अनुशासन, बेहतर शिक्षा और देश के लिए कुछ करने के जज्बे के लिए उन्हें बचपन से ही तैयार किया जाता है। ये है हमारे देश में मौजूद सैनिक स्कूल, जहां प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल होने के लिए कैडेट तैयार किए जाते हैं और भविष्य के बेहतर नागरिक भी। ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल के विद्यार्थी सिर्फ सेना में ही जाते हैं, बल्कि वो जहां भी होते हैं छात्र जीवन में मिली शिक्षा का असर उनके कार्य और जीवन शैली में हमेशा झलकता है। सैनिक स्कूल के विद्यार्थी आज देश और दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। सैनिक स्कूल देश के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक हैं जिन्हें उच्च गुणवत्ता के विद्यालयों के रूप में जाना जाता है। सैनिक स्कूलों के पूर्व छात्र आज देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। रविवार को उपराष्ट्रपति दिल्ली में हुए चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के पुरातन छात्रों के मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों के मिलन कार्यक्रम के बारे में, साथ ही जानेंगे सैनिक स्कूल के इतिहास और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में। दिल्ली का मानेकशॉ सेंटर रविवार को गवाह बना एक ऐतिहासिक पल का, जब देश भर से चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के कई पूर्व छात्र यहां एकत्रित हुए। खुशी, उत्साह और भावुकता के साथ पूर्व छात्रों ने स्कूल में बिताई अपनी यादों को साझा किया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल तलवीर सिंह सुहाग और लेफ्टिनेंट जनरल एसपी गोस्वामी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सभी पूर्व छात्रों से बेहद गर्मजोशी से मिले। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र किसी भी क्षेत्र में हों, अपने काम के प्रति समर्पण की भावना की वजह से सभी ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। सैनिक स्कूल ह्यूमन रिसोर्स वेयर एवर इट हैज गॉन, वेदर इन द डिफेंस फोर्सेस और अदरवाइज, वन थिंग इज कॉमन, सब्लिमिटी, सुप्रीम परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट टू द नेशन। We collectively have made the nation proud. I have no doubt about it. उपराष्ट्रपति ने चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के अपने अध्यापकों को याद किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर हो या फिर आज देश में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर, सैनिक स्कूल में छात्र जीवन में दी गई शिक्षा, वहां के अनुशासन की वजह से हर चुनौती से लड़ने की शक्ति मिलती है। आई कैन टेल यू
what I learnt in Saini school, the spinal strength, grit, determination, well, it was put to use for 3 years in West Bengal. And now, things would have been different if I had not been to Saini school. उपराष्ट्रपति ने बड़ी तादाद में पूर्व छात्रों को देखकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हर सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र मिलन के साथ ही सभी सैनिक स्कूलों के छात्रों का एक संगठन होना चाहिए, जो कि देश के लिए एक थिंक टैंक का बेहतर काम कर सकता है। I have one suggestion. A suggestion which will go in favor of Bharat, strengthen our culture and values, give a new dimension to our democratic fabric. Let each Saini school have a crystallized alumni association, and then let there be a confederation of alumni of Saini schools. That will be the real think tank of the country. I am sure we'll look into it. उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर याद किया कि वो कहीं भी रहे हों, लेकिन सैनिक स्कूल के अध्यापक और पूर्व छात्रों के संपर्क में रहे हैं और उन्हें हमेशा पूर्व छात्रों का सहयोग मिलता रहा है। सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र भी एलुमनाई मीट के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर खासे उत्साहित नजर आए। 60 के दशक के चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्रों ने अपनी पुरानी यादें बताते हुए कहा कि उन्हें अपने विद्यालय पर गर्व है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का सवाल है, इसने एक आर्मी चीफ दिया है, बहुत सारे दर्जन भर आर्मी कमांडर दिए हैं जो कि सेना का नंबर 2 पद है। और जहाँ तक मेजर जनरल्स ब्रिगेडियर्स की सवाल है और उससे नीचे रैंक्स की अनगिनत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए सैनिक स्कूल्स का स्थापना की गई थी वो उद्देश्य 100% गवर्नमेंट उसमें सक्सीड किया है। वहाँ पे जो हर किस्म से जो एक बच्चे की इम्प्रेशनेबल एज होती है, वहाँ पे जो संस्कार, जो शिक्षाएँ, जो सीख मिलती है, बहुत ही बेहतरीन थी। न सिर्फ हमारे जो प्रिंसिपल हेडमास्टर थे, बल्कि हमारे जो टीचर्स थे वो भी, उनके परिवार, उनकी लेडी वाइव्स भी थी, वो भी हमारे साथ में लगे रहते थे, हमेशा हमको मोटिवेट करना, नई नई चीज़ें सिखाना, टेबल पे बैठना, हर एक छोटी छोटी से चीज़ों से लेकर के और फिर आगे आया। जितना हमें जोश था उससे ज़्यादा जोश हमारे टीचर्स में था। उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र और उनके परिजनों से भी बातचीत की और शुभकामनाएं दी। दरअसल उपराष्ट्रपति का सैनिक स्कूल से जुड़ाव रहा है। 60 के दशक में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से शिक्षा हासिल की। इस दौरान वो होनहार छात्र होने के साथ ही स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे थे, इसलिए वो अपने अध्यापकों के चहेते छात्रों में से एक रहे हैं। आइए आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति के सैनिक स्कूल के सफर के बारे में। राजस्थान के जिले झुंझुनू के केठाणा गांव में किसान परिवार से निकलकर देश के दूसरे सर्वोच्च पद तक के सफर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जीवन में बेहद अहम पड़ाव रहा चित्तौड़गढ़ का ये सैनिक स्कूल। 15 जनवरी 1962 से 31 दिसंबर 1968 तक जगदीप धनखड़ यहाँ के छात्र रहे। यहाँ सिर्फ वो पढ़ नहीं रहे थे बल्कि अपने उज्जवल भविष्य का ताना बाना भी बुन रहे थे। ये वो स्थान है जहां उनकी प्रतिभा में और निखार आया। वो एक होनहार छात्र होने के साथ ही हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे।
और उन्होंने स्कूल की एनुअल एथलेटिक्स मीट में भी इनाम जीते। हालांकि इसके साथ ही जगदीप धनखड़ ने अपने अनुशासन और शिष्टता की वजह से शिक्षकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। He was a bright student, very good in maths, English and other subjects. Always used to get first or second position in the class. मेरा सौभाग्य है कि उनका सहपाठी क्लास फेलो रहा हूँ मैं 2 साल तक, और यही कहिए कि वो मेरे सहपाठी रहे हैं क्लास फेलो 2 साल तक, और उसके बाद में उनके बारे में इतना कहूँगा मैं जितना उनको मैंने देखा है, बहुत मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे, और उनकी हार्ड वर्क और मेहनत का सिला तो उनको मिला ही है। इससे ये देखिए कि जिस जगह पे हैं तो उनकी मेहनत का फल है, उनकी लगन का फल है, उनकी निष्ठा का फल है, और इसीलिए मुझे बड़ा गर्व होता है कि उनका क्लास फेलो होने का। सैनिक स्कूल से निकलकर उपराष्ट्रपति बनने तक के सफर के बीच में चित्तौड़गढ़ में बिताए सैनिक स्कूल की यादें हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहीं। दरअसल सैनिक स्कूलों में सिर्फ शिक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि सहजता से चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर भी तैयार किया जाता है। आजादी से पहले लंबे अरसे तक हमारे देश की सेना में ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना का आजादी के बाद भारतीयकरण किया जा सके, सेना के भावी अधिकारियों को बचपन से ही अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसलिए सैनिक स्कूलों की नींव रखी गई। आइए आपको बताते हैं देश में सैनिक स्कूलों के इतिहास के बारे में। भारत की आजादी के बाद 60 के दशक में रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने सेना की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को समावेशी बनाने के लिए सैनिक स्कूल का विचार रखा। उस समय सेना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत कम अधिकारी थे, इसलिए फैसला किया गया कि देश की नई पीढ़ी जिसमें प्रतिभा हो, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अधिकारी तैयार किए जाएं। ये तस्वीर गवाह है 23 जून 1961 के उस दिन की, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण और केंद्रीय रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन की अगुवाई में सतारा में पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। सतारा सैनिक स्कूल समेत 1961 में हरियाणा के कुंजपुरा में, पंजाब के कपूरथला, गुजरात के बालाचडी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 1962 में आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा, केरल के कझाकोट्टम, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, ओडिशा के भुवनेश्वर, तमिलनाडु के अमरावती नगर, मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। 1963 में मौजूदा झारखंड के तिलैया, कर्नाटक के बीजापुर, 1964 में असम के गोलपारा, 1966 में मौजूदा उत्तराखंड के घोड़ाखाल, 1970 में जम्मू कश्मीर के नगरोटा, 1971 में मणिपुर के इम्फाल, 1978 में हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर तीरा के बाद 2003 में बिहार के नालंदा और गोपालगंज में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 2007 में नागालैंड के पुंगलवा और कर्नाटक के कोडागु में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 2008 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, हरियाणा के रेवाड़ी और 2013 में आंध्र प्रदेश के कालकिरी में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 2015 में ओडिशा के संबलपुर, 2017 में मिजोरम के छिंगछिप और 2018 में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग और राजस्थान के झुंझुनू में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। इसके साथ ही 2019 में ही उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में सैनिक स्कूलों की स्थापना हुई।
पहला सैनिक स्कूल मैनपुरी, दूसरा सैनिक स्कूल अमेठी और तीसरा सैनिक स्कूल झांसी में खुला। ये सैनिक स्कूल उन चुनिंदा स्कूलों में से हैं जो सीधे रक्षा मंत्रालय के देखरेख में संचालित होते हैं। इन स्कूलों की मदद से भारतीय सेना में सभी प्रांतों और सभी वर्गों के अधिकारी शामिल होने लगे। सैनिक स्कूल में दिनचर्या ही ऐसी होती है कि बच्चे हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो सके। हमारी जो दिनचर्या थी उसमें शुरू हम करते थे, उसमें पीटी पे जोर होता था हमारा, जो बाकी स्कूल्स में नहीं होता। पूरा स्कूल एक साथ एक पीटी करता था, फिर असेंबली होती थी, परेड होती थी। ये एजुकेशन जो हमारी होती थी उसके अलावा होती थी, और हमको सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये नहीं कि सिर्फ चार या पांच सब्जेक्ट पढ़ा दिए, हमें फोकस रखा एकेडमिक्स पे, उसके बाद बोला चलो कंपटीशन एग्जाम में तैयार करो चले जाओ। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट थी जो हमारी, ऑलराउंड मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट, वेदर इट इज़ फिजिकल, वेदर इट इज़ मेंटल, वेदर इट इज़ इमोशनल, वेदर इट इज़ नेशनलिस्टिक, एकेडमिक, वो पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट थी। भारतीय सेना सही रूप में तभी भारतीय सेना कही जा सकती है जब उसमें देश के दूर दराज के गांव से भी नौजवान अधिकारी स्तर की भूमिका निभा रहे हों। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें बचपन से ही योग्य और अनुशासित बनाया जा सके। सैनिक स्कूल बचपन से ही बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर सेना के लिए तैयार करते हैं। 2016-17 से 2021-22 तक की बात करें तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सबसे ज्यादा करीब 28% विद्यार्थी सेना में शामिल हुए हैं। वहीं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के 20% और सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के 19% और सैनिक स्कूल कुंजपुरा के करीब 18% छात्र सेना में शामिल हुए हैं। इन स्कूलों के अलावा बाकी स्कूलों से भी बड़ी तादाद में पूर्व छात्र सेना में सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल सैनिक स्कूल में शिक्षा के साथ ही छात्रों को ऊर्जावान बनाने पर खास ध्यान दिया जाता है। स्किल और जो नॉलेज है वो तो हर कोई देता है, लेकिन जो एटीट्यूड जो सैनिक स्कूल देता है, एक आपको अपने पे जो विश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सर्वाइवल का और टू एक्सेल दोनों चीज़ का, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और आप देखें हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब सैनिक स्कूल के हैं, हमारे चीफ्स जो है रहे सैनिक स्कूल के रहे हैं काफ़ी, देखिए जल दीपक कपूर थे, जल दलवीर सुहाग हैं और भी हैं, और जितने हमारे सीनियर मिलिट्री आर्म फोर्सेज ऑफिसर एयर चीफ मार्शल अरूप रहा सैनिक स्कूल के हैं। सैनिक स्कूल अध्ययन के अलावा अन्य गतिविधियों के साथ छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल सिर्फ सैन्य अधिकारी तैयार करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड पाने वाले स्वतंत्र राज सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव बीबी व्यास, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व सचिव हीरालाल समारिया और पूर्व आईआरएस अधिकारी विजय सिंह चौहान समेत कई छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने स्कूलों का नाम रोशन कर रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय से निर्देशित और नियंत्रित होती है और सैनिक स्कूल इसी सोसाइटी के तहत अपना कामकाज करते हैं। ये सोसाइटी सैनिक स्कूलों की देखरेख और उनके संचालन को बेहतर बनाती है, साथ ही समय के साथ शिक्षा में बदलाव के लिए नए प्रयोग और व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए योजना बनाती है और उनका क्रियान्वयन करती है। दरअसल सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए इसकी परीक्षा का आयोजन साल में एक बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराती है। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए ये प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को हॉस्टल का आवंटन होता है, जिसमें रहकर विद्यार्थी अपना अध्ययन करते हैं। बीते वर्षों में देश में सरकार की ओर से संचालित सैनिक स्कूलों की तादाद बढ़ी है, फिर भी सैनिक स्कूलों का दायरा देश में फैलाना जरूरी था और आवश्यकता थी एक नई नीति बनाई जाए। सरकार ने नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की पहल की है,
जिसके तहत 100 स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से 21 सैनिक स्कूलों को रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मंजूरी भी दी है। देश में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सैनिक स्कूलों में दाखिला संभव हो सके, इसलिए सरकार ने कुछ वक्त पहले नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी। इस पहल के जरिए उन हजारों प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सैनिक स्कूल के माहौल में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, जो कि पहले दाखिला न मिलने की वजह से हताश हो जाते थे। स्कूलों की स्थापना का मकसद छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ये नए सैनिक स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी की निगरानी में काम करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी मिलना देश और समाज की प्रगति में अहम योगदान दे सकता है। सबसे बड़ी बात क्या होगी, एंड में जाके एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन होता है ना। सिविल मिलिट्री जब साथ साथ काम करते हैं, अभी जब सैनिक स्कूल्स के होते हैं, अभी कहीं भी देख लो आप, मिनिस्ट्री में देख लो आप, गवर्नमेंट में देख लीजिए, अब कोई सैनिक स्कूल का होगा तो उसके लिए आर्म फोर्सेज के लिए थोड़ी सी एक सिंपथी सी होती है, उस पर घमंड होता है कि मैं भी सैनिक स्कूल का, मैंने भी यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो वो जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो हमको चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत जरूरी है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे गवर्नेंस में हो। हमने गवर्नेंस में देखिए, अब सैनिक स्कूल में देखिए, हमारे सैनिक स्कूल, हमारे स्कूल के MLAs हैं, MP हैं, तो ये भी सैनिक स्कूल से आए हैं। तो लॉ में ये तो जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन होगा, आई थिंक इससे देश की बहुत देश के सैनिक स्कूलों में पहले सिर्फ लड़कों को ही एडमिशन मिलता था, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव हुआ। 2021 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि अब सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। आज मैं खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती है, उनके भी लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए पूरे देश से आवेदन आते हैं और इनमें दाखिले के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे योग्य विद्यार्थियों का ही चयन इन विद्यालयों में हो पाता है, लेकिन जब ये विद्यार्थी सैनिक स्कूलों से पढ़ाई पूरी करने के बाद निकलते हैं तो वो किसी भी पद पर सेवा दे रहे हों, एक सैनिक हमेशा उनके अंदर रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी।